नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हाथी कर रहे फसल बर्बाद, मधुमक्खियों से होगा बचा। प्राकृतिक खेती के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन शुरू। जापानी तकनीक से लहलहाएंगी फसलें। छत पर फल और सब्जियां उगाने मिल रहे 25,000 रुपए। और फ्री राशन के साथ घरेलू सामानों पर भी मिलेगी सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हाथी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक हानि होती है। इन हाथियों से निपटने के लिए सरकार नई योजना बना रही है, जिससे इनके आतंक से बचा जा सके। ऐसे में हाथियों के झुंड पर छोटी मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे हाथी भाग जाएं। बता दें कि मधुमक्खियां हाथियों की सूंड, आंख और अन्य हिस्सों पर डंक मार देती हैं, जिससे हाथी डर जाते हैं और उस खेत में आना पसंद नहीं करते। इसके लिए स्थानीय स्तर पर मधुमक्खी पालन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई ठोस कदम उठा रही है। इसमें कृषि विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक खेती अनिवार्य करना, नर्मदा नदी किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग, गाय पालन के लिए हर महीने किसानों को 900 रूपए की प्रोत्साहन राशि देने आदि शामिल है। अब इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक किसान वेबसाइट mpnf.mpkrishi.org पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खेती के लिए जापानी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए जापान सरकार के कृषि वानिकी और मत्स्य मंत्रालय के काउंसलर्स ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों से मुलाकात करके जापानी तकनीक आधारित खेती के मॉडल फार्म के लिए 1 हेक्टेयर जमीन व अन्य सुविधाओं की मांग की है। इस दौरान प्रदेश की जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता को परखा जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट का 5 हेक्टेयर जमीन तक का विस्तार किया जाएगा। बिहार का कृषि विभाग बागवानी को बढ़ावा देने के लिए छत पर बागवानी योजना चला रहा है। इसके तहत घर की छत या गार्डन पर ऑर्गेनिक फल व सब्जियां उगाने के लिए 25,000 रूपए तक का अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत घर की छत पर 300 वर्ग फीट के खुले स्थान पर गार्डनिंग यूनिट लगाना होगा। इसके लिए 50,000 रूपए की लागत तय की गयी है, जिस पर 50% यानी की 25,000 रूपए का अनुदान दिया जाएगा। बागवानी स्कीम के तहत पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक गार्डनिंग किट, फ्रूट बैग, खुरपी और ड्रिप सिस्टम के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। आप वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार राशन कार्ड धारकों के हित में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार की योजना प्रदेश के 30 लाख परिवारों को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक भी कम कीमत में देने की है। इसके लिए बजट प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, लेकिन अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाना बाकी है। साथ ही राज्य के जिन राशन कार्ड धारकों ने पिछले 6 महीने से अपने कार्ड पर राशन नहीं लिया है, उन सभी कार्ड्स को रद्द किया जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2023 में देश भर के सभी गरीब परिवारों को फ्री राशन देने का फैसला किया है। तो किसान भाइयों, हमारे बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।